तो जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनको दिल्ली ले जाया जाएगा और एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सभी विधायकों को दिल्ली ले जाया जाएगा। उस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, विशेष विमान से दिल्ली ले जाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रुख करते एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आपको कुछ पता है क्या? देखिए, यहां पर बीजेपी विधायकों को बसों के जरिए बाहर ले जाया जा रहा, और अगर हम बात कहें तो जिस प्रकार से बसों में देखिए विधायक हम दिखा रहे हैं, जरा कोई नहीं खाली है, बस खाली। देखिए, बसों को जरूर ये कार्यकर्ता यहां बता रहे हैं कि खाली है, लेकिन बीजेपी विधायक इन बसों के जरिए बाहर ले जाए जा रहे हैं। विधायकों को देखा है हमने, वो यहां से लगातार बाहर जा रहे हैं। सर, कहां जा रहे हैं? सब लोग भोपाल जा रहे हैं जी, भोपाल जा रहे हैं। भोपाल सर, इन बसों से भोपाल ले जाए सब जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे जाएंगे ना भोपाल? अच्छा, एयरपोर्ट तक बसें जा रही हैं, और एयरपोर्ट तक इन तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को बसों के जरिए ले जाया जा रहा है, एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। और एयरपोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो आइए आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट के जरिए ही यहाँ पे जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि तमाम विधायकों को दिल्ली ले जाया जाएगा, और दिल्ली के बाद कहाँ जाएंगे ये विधायक ये अभी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल ये बसें एयरपोर्ट तक ले जाएंगी, और एयरपोर्ट के बाद इन बसों के जरिए इन विधायकों को ये माना जा सकता है दिल्ली या फिर गुजरात या कर्नाटक ले जाया जा सकता है। तो कुल मिला के बसें तैयार हो गई हैं, बसों में तमाम विधायक मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी के, और बैठक के बाद पीछे के दरवाजे से इन सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो इन जो पांच बसें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पीछे लगाई गई हैं, इन पांचों बसों में बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक एक करके बैठ रहे हैं, और अब इन सभी विधायकों को यहाँ से भोपाल से दिल्ली ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से देखिए, आप देख सकते हैं, ये इधर देख सकते हैं कि ये बीजेपी के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर बसों के जरिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी विधायक जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, और बस में हम आपको दिखाएंगे कि कितने बीजेपी विधायक हैं। अनिल जैन जी हमारे साथ हैं। जैन साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जी, पता नहीं, हम लोग तो होली खेलने जा रहे हैं। कहाँ पे होली है? आपने वाली छोड़ के यहाँ पर? नहीं, पार्टी ने तय किया कि सारे विधायक मिलके एक होली का अपना उत्सव मनाएंगे, हम लोग कहीं इकट्ठे होकर, हम लोग कहीं तो जगह बताई होगी। अब प्रदेश नेता तो बताएगा, अभी मुझे हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को तो कहा कि इस बस में चलना है तो जा रहेंगे सभी विधायक। नहीं, पता नहीं मुझे, नहीं कहाँ जाना मुझे, नहीं मुझे नहीं पता सच, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे हम लोगों को पता नहीं, हम लोग तो होली का उत्सव मनाने जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं जो पार्टी नेतृत्व जब का जहाँ ले जाए? कौन सा अज्ञातवास है सर? ये कोई अज्ञातवास नहीं है, सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, वो आप लोगों की उपस्थिति में जा रहे हैं। कहा बेंगलुरु नहीं, किसने कहा बेंगलुरु नहीं, किसने कहा? मुझे बिल्कुल पता नहीं, मुझे तो कहा इस बस में बैठ जाओ, जाके बैठ गएंगे। अब प्रदेश नेता कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता। देखिए, आप देख सकते हैं कि सिर्फ विधायक जी को जो है वो यही कहा गया कि इन बसों में बैठना है। आप देख सकते हैं वहां पर भी विधायक जी मौजूद है, सभी विधायकों को बीजेपी के ये कहा गया है, जो ये बसें प्रदेश भाजपा कार्यालय के पीछे लगाई गई हैं, इनमें विधायकों को कहा गया है कि अपने सामान और पासपोर्ट, अधिकांश तो विधायकों ने कहा कि पासपोर्ट तक की बात कही गई है कि पासपोर्ट लेकर बसों में बैठना है। तो अभी पासपोर्ट लेकर अधिकांशतः जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की ये बसें हैं। अभी पांच बसें लग्जरी जो हैं वो मंगाई गई हैं, इन पांच बसों में बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक एक करके बैठ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के पीछे ये बसें लगाई गई हैं, और यहां से अब बीजेपी के जो विधायक हैं उनको कहीं रवाना किया जाएगा। तो जिस प्रकार से सलमान हम कह रहे थे कि विधायकों को दिल्ली ले जाया जा सकता है बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद, तो कमोबेश वही स्थिति है कि सभी विधायकों को यहां से ले जाया जा रहा है बसों के जरिए, लेकिन विधायकों के पास फिलहाल या तो विधायक बताना नहीं चाह रहे, या फिर इनको भी सही लोकेशन नहीं बताई गई है कि आखिर इन बसों के जरिए ये विधायक जाएंगे कहां। तो कुल मिलाकर विधायक जो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कहां ले जाया जा रहा है, पार्टी संगठन ने कहा है कि इन बसों में बैठ जाइए, बसें जहां जाएंगी बसें खुद तय करेंगी आपको जिस स्थान पर ले जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बसें देख रहे हैं आप, लगातार बसें ये लगातार लगी हुई हैं, और इन बसों के जरिए विधायकों को, आइए एक बस है यहाँ पर, दूसरी बस है यहाँ पर, और इसके बाद हम दिखा रहे हैं कि ऐसी पांच बसें
यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के पीछे लगाई गई हैं, जिनके जरिए सभी विधायकों को भोपाल से ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है इस बात को अभी नहीं बताया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक जी, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी और मोहन यादव जी भी हैं। मोहन जी कहाँ जा रहे हैं आप? पार्टी जा ले जाए तो कहाँ ले जा रहे हैं कुछ बताओ। पार्टी बताए हमको क्या मालूम। यशपाल जी वगैरह कितने सभी विधायकों को निर्देश दिए? हमारी जानकारी में नहीं है, ये हम बता भी नहीं सकते, पार्टी का हमारे सिस्टम है। तो देखिए मोहन यादव जी का भी कहना है कि पार्टी का निर्देश है, बता नहीं सकते। ऐसे सभी विधायकों को बसों के जरिए या तो एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है या फिर अज्ञात जगह पे। ये तीसरी बस थी, दो बसें और हैं इसके पीछे सलमान, जिन बसों के जरिए विधायकों को दिल्ली या दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर आप बसें देख सकते हैं सलमान कि ये देखिए अभी कुछ ही कुछ विधायक यहाँ पर बसों में मौजूद है। विधायक जी कहाँ जा रहे हैं आप? होली मनाने जा रहे हैं साहब। सर किस जगह पे? नहीं अभी ये तो हम नहीं बता पाए, ये बैठक में नहीं बताया गया। नहीं 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 बताया गया। तो पासपोर्ट आपके पास में है आपका? बाकी बातें आपको प्रवक्ता बता देंगे पार्टी के। मतलब कहा गया होगा पहले से कि सूटकेस तैयार लेकर आना है, दो चार दिन के लिए जा सकते हैं बाहर? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए लगभग सभी विधायकों की अगर हम बात करें सलमान, तो सभी विधायकों का कहना है कि अभी वो कुछ नहीं बता सकते, पार्टी प्रवक्ता बताएंगे। और जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि सभी विधायकों को यहाँ पर इन स्पेशल बसों के जरिए दिल्ली ले जाया जाएगा, अभी एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, एयरपोर्ट से फिर दिल्ली, और उसके बाद तय किया जाएगा कि ये विधायक जाएंगे कहाँ। उम्मीद यही है सलमान कि इन विधायकों को या तो बेंगलुरु ले जाया जा सकता है, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी हैं, क्योंकि बेंगलुरु में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को भी अभी डर है कि इनके विधायक कहीं बगावत न कर दें, कम ना हो जाए। इसलिए तमाम विधायक की पांच बसें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पीछे लगाई गई हैं। इन पांचों बसों में अगर हम बात करें तो बहुत सारे विधायक मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विधायक इस गाड़ी में सबसे ज्यादा है। विधायक जी कहां? कांग्रेस में कोई चिंता नहीं है, हम अपनी बहुमत साबित करेंगे, जो लोगों को इन्होंने कैद करके रखा है वो मेरे से संपर्क में है, और अगर ये स्वतंत्र होते तो बेंगलोर क्यों ले जाते हैं, उन्हें भोपाल लाए और मीडिया के सामने पेश करें। पूरी सरकार चलेगी, हमें कोई चिंता नहीं है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि विधायकों को इन बसों के जरिए यहाँ पर बाहर ले जाया जा रहा है, भोपाल से बाहर ले जाया जा रहा है, और प्रदेश कार्यालय के बाहर ये पांचों बसें लगाई गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन बसों के जरिए सभी विधायक थोड़ी देर में दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, और एयरपोर्ट के बाद ये सारे विधायक दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर विधायक जी कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं मालूम। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। होली मनाने जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे। कहाँ पे? अब ये जानकारी नहीं है। हिंदुस्तान के भीतर या बाहर? अब ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी, बाहर भी कुछ हो सकता है। अच्छा, पासपोर्ट लेकर आए हैं? तो देखिए बाहर भी हो सकता है, पासपोर्ट की बात भी विधायक जी जिस प्रकार से कर रहे, सामान भी देखिए, मतलब पहले से ये तय था सलमान। ये गौरीशंकर बिशन साहब आ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। बिशन साहब कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट जी, एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट की बात कहाँ जाएंगे साहब? ये भी पता नहीं, अभी पार्टी ने नहीं बताया है। नहीं, फ्लाइट से हिंदुस्तान में रहेंगे या बाहर ले जाएंगे? हिंदुस्तान में रहेंगे जी, हिंदुस्तान में रहेंगे, क्यों चिंता करते, सब पता हो जाएगा। जी जी, तो गौरीशंकर बिसेन साहब का भी कहना है कि हिंदुस्तान में ही रहेंगे, सामान देख सकते हैं गौरीशंकर बिसेन साहब का। तो तमाम जो सलमान ये भाजपा के विधायक हैं, जिनको सभी को कहा गया है कि बाहर जाएंगे, और आप देख सकते हैं बसों में अब धीरे धीरे विधायक आ रहे हैं, बसों पे चढ़ रहे हैं। सामान जो है विधायकों का बोला गया था विधायक दल की बैठक के पहले कि सभी विधायक अपना लगेज साथ में लेकर आएंगे, और यही वजह है कि लगेज सारे विधायक साथ लेकर आए हैं। अब गौरीशंकर बिसेन को देख सकते हैं,
ये भी इसी बस में रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी कार्यालय के पीछे जो बसें हैं इनमें से सभी विधायक अब धीरे धीरे रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर यहां से अब दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए ये सारे विधायक रवाना हो रहे हैं, और एयरपोर्ट के बाद कहां जाएंगे किस फ्लाइट से, क्योंकि ये कहा जा रहा है सलमान कि एक स्पेशल प्लेन के जरिए इन सभी विधायकों को हो सकता है गुजरात या हो सकता है यहां पर कर्नाटक ले जाया जाए, बेंगलुरु ले जाया जाए जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर ये देखिए यहां पर तमाम विधायक आ चुके हैं, भीड़ देख सकते हैं आप विधायकों की, यहां पर संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और आलोक शर्मा जो कि भोपाल के मेयर, वो सबको यहां पर निर्देश दे रहे हैं किस बस में किसको बैठना है। यहां पर देख सकते हैं आप विधायक बसों में सवार हो रहे हैं, और बसों में सवार होकर ये सभी विधायक कुछ ही देर में अब रवाना होंगे। जी सलमान,